हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। पहले वीडियो लेक्चर्स में अभी तक मैंने 21 वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं, आज मेरा ये 22 वीडियो लेक्चर है। तो एक यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया, उस यूनिट में मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था। अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट, कोफैक्टर्स, माइनर्स और एडजॉइंट और इनवर्स जैसी बातें बताई थी। नाउ आज मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बड़ा ब्रांच है ये कैलकुलस। कैलकुलस को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए भी और आपके आने वाले क्लासेस के लिए भी, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या बहुत सारी दूसरे हायर लेवल स्टडीज़ हो। तो कैलकुलस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। इसका एक टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशबिलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक भी है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वी मीन एन अनब्रोकन ग्राफ। अनब्रोकन का मतलब क्या होगा? टूटा हुआ ग्राफ होगा। दैट इज अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब अगर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इस तरह से अगर ड्रॉ कर रहे हैं, अब पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेन अगर हम उठा लेंगे और उसी पॉइंट से स्टार्ट ना करके किसी और पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ टूट जाएगा और उस टूटे हुए ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टीन्यूअस ग्राफ। तो रफली स्पीकिंग अगर हम कहें तो ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इफ़ इट्स ग्राफ इज़ अ सिंगल अनब्रोकन कर्व। सिंगल अनब्रोकन कर्व मतलब कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, विथ नो होल्स और जम्प्स, या फिर आप बोल सकते हो और गैप्स, कोई गैप्स नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे मैंने पिक्टोरियली इसको समझाने की कोशिश की है, देखो ये कॉन्टीन्यूअस ग्राफ है, ये क्या है? डिसकॉन्टीन्यूअस है। मान लो ये एक पॉइंट यहाँ पर है, ये एक पॉइंट, ये डिसकॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट है। फिर यहाँ पर देखो ये दो पॉइंट, ये इस पॉइंट पर भी डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया ये ग्राफ। फिर यहाँ देखो इस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक चला आया, यहाँ पर इसने वैल्यू अटेन ना करके यहाँ वैल्यू अटेन किया, फिर ये अपने आप को कंटिन्यू कर गया। ओके, तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर इसके डोमेन बात करेंगे तो इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, और अगर हम देखेंगे वेवी ग्राफ को तो ये ग्राफ क्या है? ये भी कंटिन्यूअस। देखो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये विदाउट लिफ्टिंग द पेन ऑन द पेपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम अगर इसी तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से विदाउट लिफ्टिंग द पेन ऑफ पेपर तो ये कॉन्टीन्यूअस ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिसकंटीन्यूअस ग्राफ बनाना है तो हमें यहाँ से ऐसे चल गए, फिर हमें पेन हटाना होगा, फिर ये चले गए, फिर हमें पेन हटाना होगा, फिर ये चले गए, तो ये इस पॉइंट पर गैप आ रहा है, इस पॉइंट पर गैप आ रहा है, मतलब ये डिसकंटीन्यूअस हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर ये डिसकंटीन्यूअस है ग्राफ, तो जिस पॉइंट पर होगा वो एक्स एक्सिस पर मिलेगा आपको और ये वैल्यू जो है वाई एक्सिस से अटेन करते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, चलिए, इन मैथमेटिकल टर्म्स हाउ टू चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट से, मान लिया एक्स इजिकल टू ए है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इजिकल टू ए